नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। भारत की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का बीती 6 फरवरी की सुबह निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके जाने से इस दुनिया में जो खालीपन हुआ है, उसे हम कभी नहीं भर पाएंगे। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। लेकिन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता दीदी अपने आखिरी दिनों में क्या कर रही थी, इसकी जानकारी लता मंगेशकर की जीवनी लिखने वाले लेखक हरीश भीमानी ने आज तक को दिए इंटरव्यू में दी। हरीश भीमानी ने बताया कि लता मंगेशकर अपने अंतिम क्षणों में पिता दीनानाथ मंगेशकर को याद कर रही थी। उन्हीं के संगीत के सहारे वो आखिरी पलों में चैन की सांसें लेती रही। ये जानकारी हरीश को लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने दी है। उन्होंने लता जी के आखिरी दो दिनों के बारे में बताया। लता मंगेशकर ने अस्पताल में गाने सुनने के लिए दो दिन पहले ईयरफोन मंगवाए थे और पिता के रिकॉर्डिंग्स मंगवाए थे। वो अपने पिता को याद कर उन्हीं के गाने सुन रही थी और उन्हें गाने की कोशिश भी करती थी। लता मंगेशकर को अस्पताल में मास्क हटाने से मना किया गया था, मगर फिर भी मास्क हटाकर वो गाने की कोशिश करती थी। बता दें कि लता मंगेशकर के पिता एक नाट्य गायक थे। दीनानाथ मंगेशकर लता जी के सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि उनके गुरु भी थे। लता मंगेशकर अपनी गायकी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुई थी। उन्होंने 36 भाषाओं में हजारों गाने गाए थे। लता जी के निधन पर दो दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान हुआ। बता दें कि लता मंगेशकर को देश भर के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। लता दीदी ने बतौर सिंगर 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 7 दशक से ज्यादा लंबे करियर में कई प्यार भरे नगमे गाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।